ओके हेलो अनन्या, गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बाकी दोनों को क्या हुआ? श्रुति इज जॉइनिंग इन 2 मिनट्स। शी इज हैविंग नेटवर्क इश्यूज। एंड दिव्यानी? सर आई डोंट नो। Okay, so today we'll be discussing rational functions. Rational function अपन ने functions में भी पढ़ा हुआ है, but we'll be looking at further functions. मतलब उसके आगे के जो rational functions हैं, different types of rational functions today in this class. So I'm waiting for Shruti, then we can start. 2 मिनट wait करके देख लेते हैं. So रैशनल फंक्शन से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले लास्ट क्लास में जो अपन ने डिस्कस किया था, दैट वाज मॉड्यूलस इक्वेशंस एंड मॉड्यूलस इनइक्वालिटीज एंड द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या उसमें कोई डाउट है? एंड लास्ट क्लास में तुम लोगों ने मेरे को बताया नहीं दैट माय हेयर वर नॉट सेट। तुम लोग पूरी क्लास में मुस्कुरा रहे थे और मुझे बताया भी नहीं, और वो मैं ऐसे ही पढ़ाता रहा फिर पूरे टाइम। नो सर, वी डिडंट इवन रियलाइज। हां राइट, लाफिंग ऑन समथिंग एल्स। सीरियसली? बिल्कुल बिल्कुल। हां हां, तभी मैं जब भी ऐसे वापस देख रहा था तुम लोग मुस्कुरा रहे होते थे। हां, यू शुड हैव टोल्ड मी। चलो कोई बात नहीं। सो स्टार्ट करते हैं रैशनल फंक्शंस। श्रुति प्रेजेंट? ओके, so last time jo rational function apan ne dekha tha, that was of the kind ax plus b upon cx plus d. Is type ke rational functions apan ne last time discuss kiye the. This was when we had numerator linear and denominator also linear. theek hai, fir yaad karo apan ne kaise kiya tha. pehle numerator ko apan ne denominator ke terms mein likha tha, fir aage simplify kiya tha. we would have got something like p plus q upon cx plus d, ऐसा टाइप का कुछ था, ये आया था अपने पास. then p would have told us the horizontal asymptote and x is equal to minus d by c would have given us the vertical asymptote. ठीक है, ये अपन ने देखा था, क्या ये रिकॉल कर पा रहे हो? yes sir, of course. ठीक है, so cool, start करते हैं फिर rational function से. this time we are doing rational functions first of the form y is equal to ax plus b upon cx square plus dx plus a. that is numerator mein linear polynomial hai, denominator mein quadratic polynomial hai, and c is not equal to 0, kyunki agar c is equal to 0 ho gaya to niche bhi linear ho jayega, but we are talking about when denominator is quadratic. okay, so c is not equal to 0. इस टाइप के रैशनल फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं. डिस्कशन में मींस व्हाट टाइप ऑफ ग्राफ एंड हाउ टू मेक दैट ग्राफ डू वी गेट. ठीक है, सो ग्राफ डिपेंड्स ऑन द फंक्शन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस. ठीक है, हाउ डू वी ग्राफ द फंक्शन, उसको अपन देखते हैं कैसे डिस्कस करेंगे. हाउ टू ग्राफ दिस टाइप ऑफ फंक्शन. सो रिकॉल अगेन, to graph the function we do the following steps. first we find out the horizontal and the vertical asymptotes, ya fir oblique asymptotes bhi ho sakte hain. so first we discuss asymptotes, then axis intercepts. oh yes, matlab solve karne ke liye to we can simplify the quadratic, uske jo do solutions aayenge matlab usko likh sakte hain na, matlab waise, aur fir upar aur niche ka usually cut jata hai. am i right? नहीं, ऐसा नहीं कटता है, हमेशा नहीं कटेगा. वो तो जब सेम फैक्टर होगा ऊपर नीचे तब कैंसिल होगा. या दैट्स व्हाट आई मीन, मतलब यहां पे अपन वैसा नहीं रखेंगे, बिकॉज़ ऐसे टाइप के नहीं होंगे जनरली. बिकॉज़ अगर ऐसा होता कि ऊपर एक लीनियर फैक्टर होता, नीचे एक लीनियर फैक्टर होता, कैंसिल हो जाता, तो सिर्फ 1/ लीनियर फैक्टर लीनियर पॉलीनोमियल बचता, वेयर एज वी आर डिस्कसिंग लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल. तो हम बस ऐसे ही मतलब x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट ये सब ढूंढ के ग्राफ बनाएंगे.
हाँ अगेन एसिम्प्टोट्स लेंगे, एसिम्प्टोट्स डिस्कस करेंगे, एक्सिस इंटरसेप्ट्स, देन साइन डायग्राम होंगे क्या इसमें, एसिम्प्टोट्स भी होंगे क्यों नहीं होंगे? ऑफ कोर्स होंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर जहां पे डिफाइन नहीं होगा, सॉरी डिनोमिनेटर जहां पे जीरो होगा वहां पे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा. ओके. एंड हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट भी होगा. सो अभी डिस्कस कर रहे हैं ग्राफ के लिए, मैं पहले बता रहा हूं कि क्या क्या देखते हैं अपन. एसिम्प्टोट्स, एक्सिस इंटरसेप्ट्स, देन साइन डायग्राम, देन बिहेवियर ऑफ द ग्राफ अराउंड द और नियर द एसिम्प्टोट्स, एंड देन उसके बाद अपन ग्राफ को प्लॉट करते हैं यूजिंग ऑल दिस इंफॉर्मेशन. So let's discuss the asymptotes first. Now vertical asymptotes हो जाएंगे इसके. Vertical asymptotes कहाँ पे होंगे? Vertical asymptotes will be the zero of the denominator. Zero of the denominator will be the vertical asymptotes. Zeros of the denominator. Denominator is cx square plus dx plus e. ठीक है? Roots मतलब zeros of the denominator means when is this denominator equal to zero? Because when denominator zero हो गया, तब function not defined हो जाएगा. That means x will never be exactly equal to those values. इसलिए वो vertical asymptotes हो जाएंगे अपने. जिन वैल्यूज पे डिनोमिनेटर जीरो है. ठीक है? सो वर्टिकल एसिम्प्टोट्स आर द जीरोस ऑफ द डिनोमिनेटर. हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट विल बी वाई इज इक्वल टू जीरो. वाई इज इक्वल टू जीरो विल बी द हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट ऑलवेज. ठीक है? वाई इज दिस, वी कैन अंडरस्टैंड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स. ठीक है? Now limits you do not know till now. कोई बात नहीं, but I'll try to explain as much as possible. So अच्छे से समझना है limit लगाने पे क्या हो रहा है. Limit, for limit x tends to plus minus infinity अगर होगा, limit x tends to plus minus infinity of y is equal to limit x tends to plus minus infinity y is this function ax plus b अपॉन सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई. इसको मैं फॉर्म चेंज कर रहा हूँ फंक्शन को. दिस इज लिमिट एक्स टेंड्स टू प्लस माइनस इनफिनिटी. आई एम टेकिंग एक्स कॉमन इन द न्यूमरेटर एंड एक्स स्क्वायर कॉमन इन द डिनोमिनेटर. तो न्यूमरेटर हो जाएगा एक्स इंटू ए प्लस बी बाय एक्स. डिनोमिनेटर विल बी एक्स स्क्वायर इंटू सी प्लस डी बाय एक्स प्लस ई बाय एक्स स्क्वायर. ठीक है? न्यूमरेटर में से एक्स कॉमन लिया, डिनोमिनेटर में से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया इन द फंक्शन. एक एक्स कैंसिल हो गया, एक एक्स कैंसिल हो गया. नाउ व्हेन एक्स टेंड्स टुवर्ड्स प्लस माइनस इनफिनिटी तब क्या होगा? एक्स टेंड्स टुवर्ड्स प्लस इनफिनिटी डिस्कस करते हैं पहले. व्हेन एक्स टेंड्स टुवर्ड्स प्लस इनफिनिटी दिस टर्म डी बाय एक्स this will tend towards zero, correct? ठीक है? माइनस इनफिनिटी के लिए भी जीरो की तरफ टेंड करेगा, बट फ्रॉम द नेगेटिव साइड. प्लस इनफिनिटी के लिए जीरो फ्रॉम द पॉजिटिव साइड. सो दिस विल टेंड टुवर्ड्स जीरो व्हेन एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स प्लस माइनस इनफिनिटी. सिमिलरली ये वाला टर्म डी बाय एक्स भी टेंड्स टुवर्ड्स जीरो. दिस टर्म ऑल्सो टेंड्स टुवर्ड्स जीरो. ठीक है? बिकॉज एक्स इज इन द डिनोमिनेटर and extends towards plus minus infinity. All these terms tend towards zero. Remaining kya bachega? A upon x into c. Theek hai? Where x is tending towards plus minus infinity. So x agar zero infinity ki taraf tend kar raha hai, a and c are constants. This is same as y is equal to zero. When x will be tending towards infinity, y will be tending towards zero. So, हम लिमिट लगा रहे हैं, x को इनफिनिटी डाला तो y will be equal to zero. I understood till the part where you were saying that when x tends to positive infinity, the b by x term
and the d by x term and e by x square term, they'll tend towards zero and they'd be approximately equal to zero or something. Mm. Right? Mm. But now after that, can you repeat again? How did you say that y is equal to zero? Because if you're adding a to zero, like if you're adding a to it, I mean, it should be something greater than zero, right? A plus, we are taking this value to be zero. Ab limit laga rahe hain apan, theek hai? We are taking the concept of limit. So I am taking this exactly to be zero, though it is not exactly zero. Limit jab main nikal raha hun, I am saying that this is tending towards zero. I can take this as zero. This is also tending towards zero. I am taking both of them as zero. Theek hai? Bachega apne paas a, kyunki a plus zero will be a. Niche c plus zero aega, which is c. So a upon x into c, where x is tending towards infinity. So as x tends towards infinity, this whole function will tend towards what? Zero. Theek hai? Agar x tend towards plus infinity hua, to this will tend towards zero plus. As x tends towards minus infinity, this function will tend towards zero minus, because it will have a negative sign, but very close to zero. Theek hai? We can write it as equal to zero because main dono plus minus infinity discuss kar raha hu ek saath. Theek hai? Pura concept nahi samajh mein aayega because I am taking limits here. I am finding the limit here. So aisa kyun liya maine zero, ye apan baad mein discuss karenge. And why we are getting this as zero aur iske aage kuch karne ki zarurat hai ya nahi hai, wo apan limits jab discuss karenge tab samajh mein aayega. Theek hai? We are getting this expression as a upon x c, where x tends towards infinity. This is same as this, as x tends towards infinity, this complete thing will tend towards zero. Therefore, y is equal to zero aa gaya. So, jab x infinity ki taraf ja raha hai ya minus infinity ki taraf ja raha hai, y is equal to zero. That means y is equal to zero is the asymptote because it is meeting the graph at infinity. Theek hai? So, y is equal to zero is the horizontal asymptote. Vertical asymptotes will be the zeros of the denominator for this kind of function. So, I don't know, but I'm still a bit confused with the horizontal asymptote. In the sense, कैसे होगा horizontal asymptote? बस ये अभी तक इतना समझ नहीं आया. Horizontal asymptote. अभी तो मैंने explain किया when x tends towards infinity आ रहा है. तब y tends towards zero plus हो रहा है. When x tends towards minus infinity, y is tending towards zero minus. So it is never actually equal to zero. इसलिए horizontal asymptote हो गया, y is equal to zero. Okay. ठीक है. वहां पे क्योंकि अपन limit निकाल रहे थे, इसलिए मैंने equal to zero लिखा था. But it will never be actually equal to zero. It will be very close to zero. ठीक है. सो नाउ टू ग्राफ द फंक्शन लेट अस टेक वन एग्जांपल. से मैंने लिया दिस इज एग्जांपल नंबर क्वेश्चन नंबर. Okay, question number. This is exercise 6D.1, question 2, J part. Graph y is equal to 6x plus 15 upon 3x square plus 2x minus 8. We have to graph this function. ठीक है? So, सबसे पहले we discuss asymptotes. Asymptotes, vertical asymptotes आएंगे when I put denominator equal to zero. Horizontal asymptotes will be y is equal to zero. So, horizontal asymptote is y is equal to zero. For vertical asymptotes. Oh, sorry. Sorry, not H A. क्या श्रुति? No, I was just saying that 6 4s are
मतलब मैं मिडिल टर्म स्प्लिट करके बता रही थी आपको. हाँ ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे डिनोमिनेटर को. सो डिनोमिनेटर इज 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x माइनस 8. दिस इज इक्वल टू 3x प्लस 2 आएगा, नहीं 3x एंड 3x यहां से कॉमन आया, यहां से आएगा माइनस 2 आएगा, क्या माइनस 4 आएगा, यहाँ माइनस 4 आएगा ये. सो दिस विल बी 3x माइनस 4 इनटू x प्लस 2. ये अपन ने फैक्टराइज किया, देयरफॉर ये जब जीरो होगा वी विल गेट जीरोस. सो x इज इक्वल टू 4 बाय 3 और x इज इक्वल टू माइनस 2. दीज विल बी आर वर्टिकल एसिम्प्टोट्स. सो x is equal to 4 by 3 is one asymptote and x is equal to minus 2 is another asymptote. So these are our two asymptotes. Huh? Basically, you're calling x and y intercepts x and y asymptotes, right? Kya? Basically, x and y intercepts? You're referring to x and y intercepts as x and y asymptotes here, right? Because we do the same in the sense when we're finding x asymptote, x intercept, we put y is equals to zero. I mean, indirectly, we are finding the intercepts only of the graph. नहीं, कहाँ से मैंने ये तो नहीं किया? मैं vertical asymptote निकाल रहा हूँ. Vertical asymptote के लिए denominator जब zero होगा, zero of the denominator, उसके लिए denominator zero होगा. तो when x is equal to this, the denominator is zero, इसलिए x is equal to 4/3 is the asymptote, क्योंकि x exactly 4/3 के equal नहीं होगा. हाँ, I understood the vertical asymptote concept, but in the horizontal asymptote, it is the same as x intercept, right? नहीं, x intercept कहाँ से आया, क्यों आया तेरे पास? X intercept मतलब कि x axis को कहाँ पे cut कर रहा है? Not the same concept, but the same formula. That's what I mean. Formula भी same नहीं होगा. Y is equals to zero ही तो डाल रहे हो आप. अरे तो जीरो डालने से क्या सेम हो जाता है क्या? मैंने डिनोमिनेटर को जीरो पुट किया है. आ रहा है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट x इज इक्वल्स टू -15/6 आ रहा है. हाँ तो अरे सर नथिंग, आई अंडरस्टूड. तो x इज इक्वल टू -15/6 जो वैल्यू आएगी दैट विल बी व्हाट? दैट विल बी द x इंटरसेप्ट. ग्राफ का x इंटरसेप्ट निकालोगे तब उसकी वैल्यू बताओ. हाँ तो -15/6 आएगा ना. But I'm saying ki even though they don't mean the same thing, but we are doing the same thing. Mereko confuse kar rahi hai tu aur aisa mat soch kyun kar rahi hai, mereko samajh mein nahi aa raha. Simply ye horizontal asymptote isko alag se rakh, theek hai? X intercept nikalna hai, uske liye we put y is equal to zero. Simple. Theek hai? Confusion create mat kar khud ke liye bhi aur mere liye bhi. This is equal to, now we are writing this function in terms of it factors. So I have a doubt. So factors ke form mein likh raha hu main. So in all cases the horizontal asymptote will be y is equals to zero, right? All cases. Yeah. Always, yes. So factors ke form mein likha, yahan pe main x ke coordinates ko one bana raha hu everywhere. It will be easier for us later on. So yahan pe x plus 15 by x 6 अपॉन यहाँ पे ये वाले फैक्टर्स हैं. सो दिस इज सेम एज 3 कॉमनली मैंने इसमें से x माइनस 4/3 इनटू x प्लस 2. सो आई एम राइटिंग इट इन फैक्टर फॉर्म. दिव्यानी लुक एट द स्क्रीन आल्सो फॉर सम टाइम. सर आई वाज राइटिंग द थिंग डाउन व्हाट यू सॉल्विंग. सी व्हेन आई वाज सॉल्विंग सो देन आई कुड सी दैट इफ माय आंसर वाज राइट लाइक टू बेंड टू योर आंसर सो देन आई विल गेट टू नो आई एम डूइंग कैलकुलेशंस. जब क्लास में है ना तब ऐसे मत किया कि पहले मैं सॉल्व करूंगी फिर मैं चेक करूंगी सही कर रहे हैं या नहीं. सो आल्सो आई हैड लाइक फर्स्ट फ्यू डाउट्स लाइक इन फॉर द फंक्शंस जो मेरे को पहले से भी थे लाइक स्कूल की क्लास से भी थे. तो फिर मैं आपको व्हाट्सएप पे भेजूं या क्लास के बाद पूछूं? क्लास के बाद डिस्कस कर सकते हैं. स्टे फॉर 5 और 10 मिनट्स वी डिस्कस दैट. ठीक है. सो यहां पे दिस इज सेम एज 2 * x + 15/6
अपॉन एक्स माइनस फोर बाय थ्री इंटू एक्स प्लस टू. ये मैंने इस फॉर्म में लिख दिया विच इज फैक्टर फॉर्म. अब हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट वर्टिकल एसिम्प्टोट आ गए अपने पास. नेक्स्ट थिंग वी डू इज वी फाइंड द एक्सिस इंटरसेप्ट. सो एक्स इंटरसेप्ट के लिए फॉर एक्स इंटरसेप्ट वी पुट y is equal to zero. y is equal to zero put करेंगे. Denominator zero नहीं हो सकता है तो ये multiply हो सकता है. It will be multiplied towards the left side. So we will get 6x plus 15 is equal to zero. This implies x is equal to minus 15 by 6. This is our x intercept. Then y intercept के लिए y intercept we put x is equal to 0. When we put x is equal to 0, we get y is equal to minus 15 by 8. This is our y intercept. Okay, so negative x axis and negative y axis pe cut karega graph. Then uske baad apan sign diagram bana sakte hain, because I've that's why I've written it in the factor form. Okay, sign diagram apne paas factor form se kafi easily aa jayega. So first I mark the smallest number, which is minus 15 by 6. So wait, one second. Nothing actually. I'm just, okay, nothing. I got it. Yes, Shruti, bata. No, I was lost. I mean, I was lost. So now I'm on track. Now I'm fine. Now are you back on track? Yeah. I'm fine. ठीक है? Okay. So 15 minus 15 by 6. ये वाला mark करेंगे minus 15 by 6. Because it is x can be equal to minus 15 by 6, we'll make a solid line. So minus 15 by 6. Then x is equal to 4 by 3. नहीं, x is equal to minus 2. x is equal to minus 2 पे dotted line बनाएंगे because x cannot be equal to minus 2. Then x is equal to 4 by 3. x is equal to 4 by 3 पे भी dotted line because it cannot be equal to 4 by 3. Now, यहाँ पे sign discuss करते हैं. When x is less than minus 15 by 6, तब क्या होगा? Less than minus 15 by 6, this will be negative. हाँ या ना? X plus 15 by 6 will be negative. This will be negative. This will be again negative because minus negative, negative, negative. This will be what? Minus 15 by 6 se chota hai. Matlab minus 2.5 se chota hai. Theek hai? So minus 2.5 se chota. How you were explaining? Can you explain it again? Which one? No, so like how you started explaining with how it will be negative and how it will be positive, I got confused. If you could explain it again. करके देखना यहाँ पे कोई minus 15 by 6 ले ले. Minus 15 by 6 अगर x है तो ये 0 हो गया. अगर minus 15 by 6 से छोटा value है तो negative आएगा या positive आएगा? Negative, yeah, I understand. Negative आएगा ना? Say example ले लिया मैंने minus 17 by 6. Minus 17 by 6 plus 15 by 6 will be minus 2 by 6, which is negative. Okay, minus 15 by 6 ko वैसे अपन आगे solve cancel कर सकते हैं. मैंने किया नहीं है यहाँ पे. I didn't realize. Put minus 15 by 6 and not a number that is smaller than minus 15 by 6. Where? I'm asking when you're checking for the sign diagram. Why won't we put a number which is less than minus 15 by 6? That's what he did. We are taking only these because sign diagram, sign kahan pe change hoga? Yahin pe to change hoga. Iska sign kab change hoga? When x is less than this or more than this, tabhi wo positive ya negative change hoga. Similarly, ye bhi tabhi change hoga when 4 by 3 se kam hoga ya zyada hoga. Sir, aapne minus 15 by 6 se ek number kam leke hi dekha hai. नहीं, she is asking, are you asking this कि मैंने यहाँ पे minus 15 by 6 से कोई पहले number क्यों नहीं लिया, right? Divide क्यों नहीं किया दूसरे interval में? नहीं, I'm asking, अच्छा, I got it, समझ गई. अरे, sir, she is saying
कि आप मतलब आप चेक करने के लिए कि नेगेटिव या पॉजिटिव साइन है माइनस 15/6 से पहले आपने माइनस 15/6 क्यों लिया और आपने इससे कोई कम नंबर क्यों लिया, क्यों नहीं लिया? ओह सो आई टुक अ नंबर स्मॉलर देन दैट माइनस 17/6 इफ दैट वाज योर डाउट अनन्या दैट्स व्हाट आई इंटरप्रेट दैट वाज माय डाउट सो मेरे को 15/6 से सुनाया दिया इसलिए आई गॉट कंफ्यूज्ड या मैंने लिखा तो था माइनस 17/6 सो उससे छोटा ही नंबर है वो हां गॉट इट सर ठीक है सो this will be negative for x less than minus 15/6 ye bhi negative hoga kyunki negative and negative will be negative then minus 15/6 is same as minus 2.5 minus 2.5 se aur chota number hai plus 2 karenge to wo bhi negative aayega theek hai so negative negative and negative That is same as यहाँ पे negative negative positive हो गया ऊपर negative है so this complete thing will be negative so sign क्या आएगा negative for this interval it will be negative इसके बाद वाला discuss करते हैं just bigger than minus 15/6 ये just bigger नहीं हाँ between minus 15/6 and minus 2 तब क्या हो रहा है उससे पहले this will be so हमारा जो horizontal asymptote है हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट में वी पुट y इज इक्वल्स टू 0 राइट हां हमारा जो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है वो माइनस वी एक मिनट वी डू नॉट पुट y इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0 आ रहा है हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट पुट नहीं कर रहे अपन ओ जैसे x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट के लिए मैंने पुट किया है क्योंकि x इंटरसेप्ट पे y विल बी 0 y इंटरसेप्ट पे x विल बी 0 मतलब I thought मतलब जैसे it is very evident कि vertical asymptote है तो you'll put the denominator zero because यहाँ यहाँ आना ही नीचे नहीं तो वो infinity तक जाएगा graph मतलब it's not valid तो horizontal asymptote के लिए I thought we have to put y equals to 0 that's what I said हाँ तो ये वही तो confusion चल रहा था ना तेरे दिमाग में यही तो नहीं करना है we are not putting y equal to 0 this itself is the horizontal asymptote ये ही है हमेशा rational function का horizontal asymptote rational function of this type is type ke liye jisme linear upon quadratic ha uske liye so ha yes I just want to confirm something because I think I'm getting a bit confused so when you wanted to check that before minus 15/6 is it negative or positive aapne har jagah minus 15/6 se chota number liya ya minus 15/6 liya na like in the whole chota minus 15 yeah, so, and then you fork it because there will be total negative that's why you put a negative yes ha pura function negative aa raha hai na so minus 15/6 se just bigger number lete hain ab this value will be what it will be x plus 15/6 karenge where x is greater than minus 15/6 but less than minus 2 tab kya hoga कोई भी एक एग्जांपल लेके देख सकते हो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा अरे इसमें कैलकुलेटर की यूज करने की जरूरत लग रही है तुम लोगों को इतनी आदत बन जाती है कैलकुलेटर यूज करने की माइनस 15/6 क्या इससे बड़ा नंबर है माइनस 13/6 या छोटा नंबर है वेदर इट इज ऑन द राइट साइड और द लेफ्ट साइड ऑफ माइनस 15/6 सो इट्स ऑन द राइट साइड राइट साइड मतलब बड़ा है करेक्ट माइनस 13/6 इज अ नंबर बिगर देन दिस इसमें 15/6 ऐड कर दो प्लस 15/6 ऐड किया डिनोमिनेटर सेम है न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे सो दिस इज इक्वल टू 2/6 2/6 इज पॉजिटिव सो पॉजिटिव आएगा ठीक है अरे बेसिकली नंबर्स ही तो इनपुट कर रहे हैं दो इंटरवल्स के बीच में जैसे हम नॉर्मली साइन डायग्राम बनाते हैं ना
हाँ तो वही ऐसे ही बनाते हैं साइन डायग्राम, और कैसे बनाते हैं? तुम लोग क्या कैलकुलेटर लेके बैठ गए इतने से चीज के लिए? मेरे पास तो है भी नहीं। मेंटली करो इतना सा तो, या एक एग्जांपल चूज करो जो इजीयर हो कैलकुलेट करने के लिए। सो वी सी की नंबर ग्रेटर देन माइनस 15/6 के लिए ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव होगा बिकॉज नेगेटिव एंड नेगेटिव दोनों नेगेटिव है टर्म्स, सो ये कंप्लीटली नेगेटिव होगा। दिस नंबर क्या ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? वी आर टेकिंग फॉर माइनस 15/6 टू माइनस 2, तो दिस विल बी बिटवीन माइनस 2.5 टू माइनस 2। माइनस 2.5 से माइनस 2 के बीच में प्लस 2 करेंगे तो इट विल अगेन बी नेगेटिव ओनली। सो नेगेटिव नेगेटिव एंड ऊपर पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, ऊपर भी पॉजिटिव है, कंप्लीट फंक्शन विल बी पॉजिटिव। सो यहाँ पे साइन पॉजिटिव आएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट इंटरवल माइनस 2 से 4/3, माइनस 2 से 4/3। इफ आई एम टेकिंग माइनस 2 टू 4/3, यहाँ पे ये वाला जो है दिस विल बी पॉजिटिव, क्योंकि माइनस 2 पे 0 आएगा, उससे बड़ा कोई नंबर है तो उसमें 2 ऐड होगा तो अगेन पॉजिटिव ही आएगा। सो दिस विल बी पॉजिटिव, दिस विल बी नेगेटिव। माइनस 4/3 से छोटा ले रहे हैं, नहीं 4/3 से छोटा ले रहे हैं, तो ये नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव नेगेटिव, दिस विल बी पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, कंप्लीट फंक्शन क्या हुआ? नेगेटिव। सो दिस विल बी नेगेटिव। सो इज इट लाइक अ थिंग दैट इट्स लाइक अ पैटर्न लाइक माइनस प्लस माइनस, और इफ इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव देन इट विल बी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव? It is usually a pattern like that, but teachers don't prefer telling that trick because they think ki kabhi kabhar exceptions ho jate hain. It is a pattern, theek hai, but pattern kab aayega ye wo bhi dhyan rakho. This pattern will be there when we have linear factors like this, theek hai, linear factors hote hain tab aisa hota hai. But suppose yahan pe kahin pe ispe jaise square aa gaya, if there is a square here, something like this, x minus 4/3 ka square ho gaya, तब ये पैटर्न नहीं आएगा। अगर ये स्क्वायर आ गया यहाँ पे, अगर ये लीनियर नहीं रहा, इट इज अ क्वाड्रेटिक नाउ, तब ये पैटर्न नहीं होगा, ठीक है, वहां पे ये चेंज हो जाएगा। तो ये वाला ध्यान रखना है, इफ ऑल ऑफ देम आर लीनियर तब अल्टरनेट बनेंगे प्लस माइनस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वाला ग्रेटर देन 4/3, ग्रेटर देन 4/3 के लिए सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, फंक्शन विल बी पॉजिटिव, सो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज आवर साइन डायग्राम, ओके। नाउ यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन, अच्छा अभी एक और चीज बची है, कीप दिस इन माइंड, द वर्टिकल एसिम्प्टोट्स 4/3 एंड -2, विच इज the behavior of the function near the asymptotes. So behavior of the function, that is when x tends towards plus infinity, tab kya ho raha hai, y is tending towards plus 0 plus, when x tends towards minus infinity, y tends towards 0 minus, we have seen this, theek hai, then as x tends towards minus 2 minus, recall karo yahan pe kya meaning hota hai, minus 2 minus means very close to minus 2 but from the left side, theek hai, minus ka matlab hai ki from the left side, just smaller than minus 2, so minus 2 minus ki taraf agar x tend kar raha hai, then what will happen, yahan se dekhna hai, from here as x tends towards minus 2 से just smaller value है, ठीक है, so that value plus 2 will be very close to 0 but with a negative sign. So for example -2.016, हाँ और भी छोटा ले सकते हैं, -2.000009 ऐसा कुछ ले लें, प्लस 2 करेंगे तो -0.00009 आ रहा है, दैट इज वेरी क्लोज टू 0
बट नेगेटिव साइन के साथ है, ठीक है? सो एग्जाम्पल अभी ले सकती है, बट गेट ट्राई टू गेट रिड ऑफ टेकिंग दीज एग्जाम्पल्स, ठीक है? ऐसे ही समझना है डायरेक्टली. माइनस टू माइनस, प्लस टू करेंगे नेगेटिव बट वेरी क्लोज टू जीरो. दिस वैल्यू विल बी समथिंग विच इज सम फाइनाइट नंबर, दिस विल ऑल्सो बी सम फाइनाइट नंबर, क्योंकि ये जीरो की तरफ टेंड कर रहा है फ्रॉम द नेगेटिव साइड. And this function will tend towards infinity, क्योंकि denominator में zero की तरफ tend कर रहा है, ठीक है? So this function will tend towards infinity, but with a negative sign. Yes or no? Yes or no? ध्यान रखना है. ये वाला नेगेटिव साइन के साथ है, ये वाला क्या आएगा? दिस विल ऑल्सो बी विद अ नेगेटिव साइन. आया ना? नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है, ये भी नेगेटिव साइन के साथ आएगा. ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा. वी जस्ट डिस्कस्ड माइनस टू के वेरी क्लोज, यहाँ पे माइनस टू के पास में व्हेन फंक्शन इज पॉजिटिव. सो दिस इज पॉजिटिव, this is negative, this is negative, dono positive, dono negative milke positive ho gaya. Positive upon positive will be positive, so this will tend towards, y will tend towards plus infinity. Aisa nikalna hai. So why won't it tend towards negative infinity? I'm getting dekh, confused. Yahan pe negative number hai. X plus 2 will be a negative number. Yeah. ठीक है, very close to zero but negative. ये वाला जो number आएगा. अब मैं भी confused हो रही हूँ. Minus 2 minus का मतलब होता है minus 2 left side से. इसका मतलब minus 2 से बहुत पास पर थोड़ा कम. हाँ. मतलब minus 2.023 ऐसा कुछ. मतलब minus 2 से कम पर बहुत. और छोटा. हाँ, मतलब और पास में. मतलब पर उससे छोटा. ठीक है. तो यहाँ पे denominator positive हो जाएगा. डिनोमिनेटर पॉजिटिव इसलिए होगा क्योंकि ये भी नेगेटिव आएगा और ये भी नेगेटिव आएगा. आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और जो वाला है वो भी पॉजिटिव होगा. पॉजिटिव होगा. यस अनन्या. सो आई एम स्टिल कंफ्यूज्ड. ओके, क्यों कंफ्यूज हो रही है? साइन डायग्राम अगर समझ में आ गया तो इट शुड बी वेरी क्लियर. माइनस टू माइनस मतलब अ नंबर वेरी क्लोज टू माइनस टू बट नेगेटिव, मतलब स्मॉलर देन दैट. प्लस 15/6, 15/6 इज सेम एज 2.5. या ठीक है. माइनस 2 प्लस 2.5 करेंगे तो क्या होगा? पॉजिटिव आएगा. ठीक है, तो दिस विल बी पॉजिटिव. माइनस 2 मैंने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे वो नेग्लिजेंट जो डिफरेंस होगा उसका डिफरेंस नहीं पड़ेगा कुछ. ठीक है, तो एक्स को मैंने माइनस 2 की तरह ट्रीट किया, दिस विल बी पॉजिटिव. यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव नंबर है x, माइनस 4/3 कर रहे हैं, ये भी नेगेटिव आएगा. सो नेगेटिव होगा ये वाला फैक्टर, ये वाला जो ब्रैकेट में है एक्सप्रेशन, और ये वाला भी नेगेटिव है, ये अपन ने डिस्कस किया है. सो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऊपर भी पॉजिटिव बट डिनोमिनेटर इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, सो द कंप्लीट फंक्शन विल टेंड टुवर्ड्स प्लस इंफिनिटी, इंफिनिटी विद अ प्लस साइन. अब समझ में आ गया? Clear? Okay, next one. X tends towards minus 2 plus. Plus, matlab from the right direction. Minus 2 from the right direction. This will be negative infinity. This will be positive. Ye wala value of positive ho jayega. Yeah, so the denominator will be negative, so the whole thing will be negative. Haan, correct. Ye wala expression positive ho gaya. Ye wala expression negative rahega. ये वाला एक्सप्रेशन स्टिल पॉजिटिव, सो द कंप्लीट फंक्शन विल बी नेगेटिव, बट एज एक्स एज डिनोमिनेटर टेंड्स टुवर्ड्स जीरो, द कंप्लीट फंक्शन विल टेंड टुवर्ड्स इनफिनिटी, सो वाई विल टेंड टुवर्ड्स माइनस इनफिनिटी. ठीक है अनन्या? ओके ऑलराइट. सो नेक्स्ट वन, ये अपन ने माइनस टू के नेबरहुड में, ठीक है, दिस मीन्स वी आर डिस्कसिंग इन द नेबरहुड, नेबरहुड ऑफ माइनस टू. नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे एक्स टेंड्स टुवर्ड्स
4 by 3 minus, very close to 4 by 3, but smaller than that from the left hand side we are discussing. ठीक है, तब क्या हो रहा है, देखो this will tend towards 0, ये tend, this tends towards 0, ठीक है, but with a negative sign, with a negative sign. ये वाला क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि 4 by 3 plus 2 will be positive. This will also be positive. Complete function, ये positive है, denominator negative है, तो complete function will be negative. We have discussed it here. But as denominator tends towards 0, function will tend towards infinity, but with a negative sign, so y tends towards minus infinity. So I also So I got this, but I didn't get the when x tends towards minus infinity, why would y tend towards 0 minus? Because there may be confusion. This second one, we just discussed this when we were discussing horizontal asymptote. Yeah, but I'm still confused. अच्छा ठीक है, एक बार वापस लेता हूँ, पहले इसका नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं. x tends towards 4 by 3 plus, तब क्या होगा, 4 by 3 from the right side, x tends towards 4 by 3 from the right hand side, this is positive now, क्योंकि 4 by 3 से just bigger number, minus 4 by 3 करेंगे, positive आएगा, very close to 0, this is also positive, all of them are positive, function is positive, but y tends towards infinity, as denominator tends towards 0. Devyani, are you in the class? Yes, sir. वीडियो ऑफ क्यों कर दिया? गलती से हो गया, सॉरी. चलो ठीक है, सो अब ये वाला डिस्कस करना है वापस. अगेन यहाँ पे आ जाते हैं, क्योंकि मेरे में शोइंग अ ब्लैंक स्क्रीन. हाँ नहीं, आई कैन नॉट सी यू, आई कैन नॉट सी यू. अच्छा, I'm getting a blank screen, ब्लैक स्क्रीन. सो ये वाला डिस्कस कर रहे हैं अभी. दिव्यानी इस पे ध्यान दे, ax plus b upon cx square plus dx plus e है, ये अपने पास इस टाइप का फंक्शन है, रैशनल फंक्शन. दिस इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट. इसका भी हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट 0 होगा मेरा. अरे इसी का तो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट 0 है, यही तो डिस्कस कर रहे हैं. लगा आपने कोई नया फंक्शन इंट्रोड्यूस किया है, मैंने वाओ क्या बात है, मैं यही डिस्कस कर रहा हूँ, मैं हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट ही डिस्कस कर रहा हूँ. यानी इस पे ध्यान दे, कोई नई चीज है तो मेरे को लगा कि नहीं है, तो हम दिमाग लगाए तो फिर इसका भी जीरो ही होगा. हाँ तो अभी इस पे देख, अगर देखो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट में प्रॉब्लम है तो वापस मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसको. देख, आई कैन राइट दिस फंक्शन एज, एक्स मैंने कॉमन ले लिया ऊपर से, न्यूमरेटर में तो ये ऐसे लिख देंगे, देन डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, नीचे सी प्लस डी बाय एक्स प्लस ई बाय एक्स स्क्वायर होगा. ठीक है, x कैंसिल हो गया एक, दिस इज आवर फंक्शन. ठीक है, y इज इक्वल टू दिस. अब व्हेन x टेंड्स टुवर्ड्स प्लस इनफिनिटी, तब डिस्कस कर रहे हैं केस. ओके, दिस इज ट्रू फॉर ऑल दीस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, तो इसीलिए मैंने जनरल इक्वेशन लिखी है, इसके लिए एग्जांपल नहीं ले रहा हूं मैं. दिस इज फॉर जनरल लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक रैशनल फंक्शन. तो सारे केसेस में यही होगा ना फिर? हाँ सारे केसेस में यही होगा. ठीक है, सो यहाँ पे देखो, x tends towards plus infinity अगर हो गया, d by x tends towards 0, this term tends towards 0, this term tends towards 0, okay? Numerator is only a, because a plus 0 is a, denominator is x into c, क्योंकि c plus 0 plus 0 is same as c, तो बचेगा अब सिर्फ a upon x into c, correct? ठीक है, when x tends towards infinity, तब क्या हो रहा है, a upon x into c, x is tending towards infinity, so y will tend towards 0 plus, 0 plus, 0 from the right, positive side, right side, 0 plus. अब यहाँ पे x tends towards minus infinity अगर discuss करें, if in all मतलब in these type of question, if this is the thing that we're gonna do, if x tends towards positive infinity, y tends towards 0 plus, तो फिर वो solve करके थोड़ी ना दिखाना है. No, you do not have to solve this. This is
You already got this by saying that y is equal to 0 is the horizontal asymptote. Got it. ठीक है. So you do not have to do all this working. मैं ही बता रहा हूँ क्यों ऐसा क्यों हो रहा है. Y is equal to 0 is the horizontal asymptote. उसके लिए discuss कर रहे हैं. ठीक है. So when x tends towards minus infinity, तब क्या हो रहा है? Again this term, all are 0. ठीक है. They are tending towards 0. So we are taking it to be exactly equal to 0. ठीक है. A upon x into c बचेगा. X is tending towards minus infinity. So this function, this expression will tend towards 0, but with a negative sign. So 0 minus, 0 from the left side. अब समझ में आ गया? ठीक है, continue करें फिर. So I think यहीं तक कर पाएंगे आज अपन. इसका graph draw करके देखते हैं. So अब ये अपने पास discuss हो गया है सारी चीजें. इसको मैं ध्यान में रखता हूँ. I will need this. इसको मैं बोर्ड पे रखता हूँ, बाकी सब मैं हटा देता हूँ. Now to graph this function. ऊपर वाला भी हटा सकते हैं. ओके, सो मार्क करते हैं पॉइंट्स. पहले एसिम्प्टोट्स, y इज इक्वल टू 0 तो यही हो गई x एक्सिस. देन y इज इक्वल टू 4/3 एंड -2. सो सॉरी, x इज इक्वल टू -2 इज वन एसिम्प्टोट, वर्टिकल एसिम्प्टोट. दिस इज x इज इक्वल टू -2, देन x इज इक्वल टू 4/3, मेकिंग इट अ बिट क्लोजर टू y एक्सिस. यहाँ पे 4/3 आ गया, यहाँ पे -2 है ये. नाउ ये अपने पास एसिम्प्टोट्स हो गई. नेक्स्ट इज x एंड y इंटरसेप्ट. y इंटरसेप्ट कितना आ रहा था? -15/8 वाज आवर y इंटरसेप्ट. x इंटरसेप्ट कितना था? -15/6 था. सो -15/6 इज सेम एज -2 के इस साइड आएगा, बिकॉज दिस इज इक्वल टू -2.5. दिस इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ दिस एसिम्प्टोट. इसका ध्यान रखना है सब चीजों का. अब साइन डायग्राम अपन ने बनाया था, ठीक है, उसका भी ध्यान रखना है. -5/2 से कम नेगेटिव वैल्यू आ रही थी, -5/2 से और -2 के बीच में पॉजिटिव वैल्यू आ रही थी. देन -2 से 4/3 तक नेगेटिव वैल्यू आ रही थी एंड 4/3 से बिगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही थी. प्लस नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा था, ठीक है. सो एंड यहां से ध्यान रखना है, व्हाट इज हैपनिंग एज x टेंड्स टुवर्ड्स -2 दिस वन, y इज टेंडिंग टुवर्ड्स प्लस इंफिनिटी. तो y विल गो लाइक दिस, ऐसा ऊपर यूं ऐसा जाएगा, ठीक है. आई एम मेकिंग इट इन पार्ट्स. As x tends towards -2+, मतलब from the right hand side, like this, is it tending towards -2 from the right hand side? Y is tending towards -infinity, so like this. Then as x tends towards 4/3 from the left hand side of 4/3, y is again tending towards -infinity, तो ऐसा जा रहा है. Then x tends towards 4/3+, y is tending towards +infinity. So if I am going towards 4/3 from the right hand side, y is going towards infinity. So ऐसा बनेगा, दिख रहा है? ठीक है? Now अब यहाँ पे बनाना है. 5/3 को join करेंगे, positive आ गया यहाँ तक. -5/2 के left side में negative values हैं, but यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है. As x is tending towards -infinity, y is tending towards 0-. So the graph will be like this. ऐसा बनेगा. वापस x axis की तरफ मुड़ जाएगा ये. Then 0 the horizontal asymptote. Sorry, question है. हाँ.
तो फिर हम लाइक विल वी मेक इट टच टू जीरो या बिल्कुल पास से ले जाएंगे ना उसको? अरे टच थोड़ी करेंगे. बट देन आई हैव वन मोर क्वेश्चन. सो देन लाइक व्हाई डिडंट यू, जैसे कि एक्सपोनेंशियल में होता है ना, जैसे ही लाइक एसिम्प्टोट के पास होता है वो नॉर्म लाइक कर्व होता है, बट यहां आपने थोड़ा सा डिप करके क्यों करा है? ये तो क्योंकि ऐसा टाइप का ग्राफ बनेगा इसलिए मैंने बनाया. अदरवाइज यू कैन मेक इट लाइक दिस, मतलब कुछ भी बना सकते हो, बट ये ऐसे बन जाएगा, वापस कर्व होके जीरो की तरफ टेंड करेगा, बिकॉज़ y इज इक्वल टू द एसिम्प्टोट एंड इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो माइनस, सो नेगेटिव साइड से टेंड कर रहा है जीरो की तरफ, तो ये ऐसा ग्राफ बनेगा. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड क्या हो रहा है यहाँ पे? Yes, sir. Yes. ठीक है. Okay. Now next one. Minus two. X is यहाँ पे इस वाले ग्राफ के लिए minus two के right hand side में. यहाँ पे x y is tending towards minus infinity. This is our y intercept. पूरा negative है function, so it will be something like this. ऐसा function बनेगा ये. ऐसा graph बनेगा ये. Like this, completely negative. ठीक है. Okay. Then, 4/3 के right side में the function is positive, so this graph is like this. It is tending towards infinity when x is tending towards 4/3 plus, and it is tending towards 0 plus when x is tending towards infinity. So, इसको थोड़ा सा और कर्व बना देता हूं सो दैट दिखे क्या हो रहा है. दिस विल गो लाइक दिस. दिस विल बी द ग्राफ. ठीक है, रफ ग्राफ, नॉट एग्जैक्ट वन, बट ये ऐसा ग्राफ बनेगा. क्या समझ में आ गया सबको? Yes, everyone. Yes, so मेरे को समझ आ गया. Okay. So आगे continue करते हैं. या फिर आज यहीं तक करें? यहीं तक सर प्लीज. I want you to take the other rational function also, पर इसमें कम से कम आधा घंटा लग जाएगा. दे सकता हूँ क्या? है नहीं? Another half an hour I'll finish this rational functions. बाकी सबका कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा है. श्रुति तो सर हिला रही है अपना. So we are very tired. Ah, okay. Sir, I was had like an inter-school submission today. तो मैं तो सोच रही थी कि कैसे. Sure, sure. School ने हमें दबा दिया है. हाँ हाँ. ठीक है. Okay, चलो तो रहने देते हैं फिर. But तुम लोग काम करोगे तभी मजा आएगा. ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट करके रखो. Exercise 6D.1. Got it? 6D.1 तक complete करके रखना है पूरा chapter. Next time discuss कर सकते हैं question. 6D.1. Okay. ठीक है. And next time rational functions and partial fractions करेंगे. So, okay. One more thing. अभी बंद मत करना. One more thing. I have made that consultation form that I discussed last time. And I will send it to you guys by tomorrow. ठीक है, complete कर दूंगा मैं. थोड़ा सा लिखना है उसमें, थोड़ा सा और चीज़ें. So by tomorrow I will send it to you. You guys have to do this thing for me that you have to fill it up honestly. ठीक है, 10 या 15 मिनट लगेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लगने चाहिए. You have to fill it up. As soon as possible, जल्दी कर दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. ठीक है,
and send it to me, then we can discuss about it individually, hoga, of course, and wo apan discuss karenge, because I want to understand a little bit your problems also. Theek hai? I want to see what is happening other than studies also. Theek hai? ये सब बताना है मुझे, उसमें 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे, कंप्लीट करके भेजना है. एंड वन मोर थिंग, बिकॉज आई वॉन्ट अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो टू फील लाइक दे हैव समवन टू कंसल्ट विद, ठीक है, अदर देन आउट ऑफ स्कूल. आउट ऑफ स्कूल ऑफकोर्स स्कूल में तो होते ही है, बट उनके भी एक डिफरेंट एस्पेक्ट होता है काम करने का. सो आई वॉन्ट यू गाइज टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, ठीक है, with your colleagues, with your seniors, with your juniors, relatives, जो भी IB पढ़ रहे हैं या IGCSE पढ़ रहे हैं, उन सबको share करो. Tell them that you can get a free consultation from our teacher if you fill this form up. ठीक है, you have to do this for me and for other students to also like get someone to talk to. ठीक है, I want it to be like something of a consultation and therapy session also. ऐसे ही kind of कुछ करना चाहते हुए. So let's see, तुम लोग भेजोगे और दूसरे लोग भेजेंगे, उसके बाद मुझे पता चलेगा कि कितना effective है. ठीक है, so tomorrow I will send it, और जब भी as soon as possible I'll send it, and you guys have to send it back on the same day. ऐसा नहीं कि 10 दिन बाद भेज रहे हो. ठीक है, तो उसमें सारी चीजें आ जाएंगी, उसमें योर प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग, एग्जाम्स यू आर गोइंग टू गिव, योर कॉलेज एडमिशन, सब बताना है मुझे, सो दैट वी कैन डिस्कस इन लेंथ. सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड नेक्स्ट क्लास थैंक यू, मिलते हैं फिर. ओके, ऑलराइट, बाय.